अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम कैप कट के थ्रू वीडियो की कलर ग्रेडिंग करना सीखेंगे कि आप कैप कट के थ्रू जो है वीडियो की इस तरह की कलर ग्रेडिंग किस तरह कर सकते हैं। ये देखें आप, ये वाली जो है ये पहली वीडियो है हमारे पास, पहले कुछ इस तरह थी और अब जो है हमने इसकी कलर ग्रेडिंग की है, तो ये जो है आप इस तरह से मज़ीद खूबसूरत, मज़ीद शानदार लुकिंग दे रही है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम मोबाइल के ऊपर, इस तरह की एप्लीकेशन है कैप कट, इसके ज़रिए से जो है हम इसकी मुकम्मल एडिटिंग करेंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं। आपने प्ले स्टोर पे आना है, कैप कट लिखना है, तो इस तरह की एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। आपने उसको इंस्टॉल कर लेना है, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, मैं जो है इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो यहाँ पर नीचे जो है आपके प्रीवियस प्रोजेक्ट पड़े होते हैं जिन पर आपने काम किया होता है, उनको मज़ीद आप चेंज करना चाहें, उनकी एडिटिंग करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अगर आप कोई न्यू प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसके बाद जो है फिर आप यहाँ न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे ये सीधा डायरेक्ट आपको गैलरी में ले जाएगा। अगर आपके पास वीडियो है, वीडियो की एडिटिंग करनी है आपने, तो यहाँ पर पहले ऑप्शन में हमारे पास वीडियो मौजूद होती हैं, आपने वीडियो की एडिटिंग करनी है। अगर आपके पास कोई पिक्चर है, फ़ोटो है, तस्वीर है, उसकी एडिटिंग करनी है तो आपने यहाँ क्लिक करना है, तो यहाँ पर जो है आपके पास सारी तस्वीरें शो हो जाएंगी, तो उन सब की जो है आप एडिटिंग कर सकते हैं। तो हमारे पास चूँकि वीडियो है, हम जो है वीडियो के ऊपर क्लिक करते हैं, तो उसके बाद मेरे पास ये एक वीडियो पड़ी है, मैं जो है इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, इसको जो है इंपोर्ट कर लेता हूँ, इसको मैंने ऐड कर लिया है। अब हमने इसकी करनी है कलर ग्रेडिंग। कलर ग्रेडिंग बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। कलर ग्रेडिंग करने से आपकी वीडियो की लुकिंग, आपकी वीडियो की क्वालिटी बेहतरीन हो जाती है। इससे जो आपका व्यूअर है वो आपकी वीडियो को पसंद करता है, देखता है। इसीलिए जो व्लॉगर होते हैं या कोई भी आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं, तो उसकी थोड़ी सी कलर ग्रेडिंग करके उसकी एडिटिंग लाजमी किया करें। तो इसकी अब जब हम कलर ग्रेडिंग करेंगे तो इसके ऊपर जो है हम क्लिक करेंगे, सिंपली वीडियो के ऊपर हमने क्लिक करना है, तो इस तरह से जो है ये सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद ये नीचे हमारे पास टैब है, इसको जो है हम लेफ़्ट मूव करेंगे इस तरह से। ठीक है, यहाँ मूव करने के बाद हमारे पास यहाँ होगा एडजस्ट का ऑप्शन, ये रहा दरमियान में। ठीक है, इस एडजस्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है, तो ये बहुत सारे आपको ऑप्शन देगा कलर ग्रेडिंग करने के। तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास ब्राइटनेस। ब्राइटनेस जो है हम 10 तक या 15 तक बढ़ाते होते हैं, तो आपने अपनी वीडियो के हिसाब से जो है इसको बढ़ाना है। तो मैं जो है फ़िलहाल इसको 9 तक कर रहा हूँ। उसके बाद जो है कंट्रास्ट है, कंट्रास्ट को भी आपने ऐसे बढ़ाना होता है तकरीबन 10 तक या 15 तक, जो आपकी वीडियो के हिसाब से जैसे वो सूट कर रही हो तो उस तरह से आपने इसको बढ़ाना है। उसके बाद है सेचुरेशन, सेचुरेशन को भी आपने 20 तक कर देना है। उसके बाद है एक्सपोयर, एक्सपोयर को आपने माइनस में करना है, इसको हम कर लेते हैं 15 तक। ठीक है, एक्सपोयर को हमने 15 तक कर लिया है। उसके बाद शार्पिन है, शार्पिन को आपने जो है 100% कर देना है। उसके बाद HSL है, ये बड़ी मज़े की चीज़ है, इसको आपने समझना है। यहाँ पर इसने कुछ ऊपर कलर दिए हुए हैं, तो इन कलर के हिसाब से इनको आपने यूज़ करना है। तो आपने अपनी वीडियो में देखना है आपकी वीडियो में ज़्यादातर कौन से कलर यूज़ हुए हैं। जैसे मेरी वीडियो में अब ज़्यादातर जो है ग्रीन वाला कलर यूज़ हो रहा है, तो मैं जो है यहाँ से ग्रीन कलर यूज़ करूँगा, ग्रीन के ऊपर क्लिक करूँगा, उसके बाद इसको बढ़ा दूँगा तो ये जो है ग्रीन को मज़ीद ग्रीन कर देगा। ठीक है, इस तरह से ये देखें, इसको आप बढ़ाएँगे, इसको बढ़ाएँगे, ये देखें कैसी शानदार क्वालिटी में बन रही है वीडियो। इसी तरह से आपने ये शर्ट का कलर देखना है, तो इससे कौन सा कलर इसमें से मैच कर रहा है, तो ये वाला दूसरा कलर है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, इसको आपने बढ़ा देना है, ये जो है उसको मज़ीद क्लियर कर देगा। उसके बाद जो है ये स्काई का कलर है, ये स्काई के साथ मैच कर रहा है आसमान के साथ, तो इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं, थोड़ा सा इसको भी हम जो है बढ़ा देंगे, तो ये स्काई के साथ जो है मज़ीद सूट हो जाएगा। उसके बाद जो है हम इसको करते हैं बैक, यहाँ से इसको बैक करते हैं। उसके बाद हमारे पास है ग्राफ्स का ऑप्शन, तो इसको आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, ये आपकी वीडियो को, क्वालिटी को ख़राब कर देगा। ये किसी और चीज़ के लिए यूज़ होता है, उसका इस्तेमाल भी मैं आपको बताऊंगा, तो इसको जो है आपने यूज़ नहीं करना। ये मैं आपको करके भी दिखाता हूँ, ये देखें इस तरह से उसने वीडियो को कर दिया है। ठीक है, तो इसको आपने जो है नहीं छेड़ना, तो इसको हम रीसेट करके सेट करते हैं, ये रीसेट हो गया है। उसके बाद हम जो है बैक चलते हैं। उसके बाद है हमारे पास हाईलाइट का ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देंगे। अगर आपकी वीडियो में अंधेरा है या आपकी वीडियो ज़्यादा डार्क है, उसको आप जो है मध्यम करना चाहते हैं, तो इस तरफ जो है इसको मूव करेंगे तो आपकी वीडियो में थोड़ा सा अंधेरा पैदा होगा। तो इस तरह से जो है हाईलाइट को हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे। उसके बाद शेडो है, शेडो को भी हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे। बाकी ऑप्शन इतने ख़ास नहीं है, बस यही ऑप्शन है। शेडो तक जो है आपने यूज़ करके इसकी बेहतरीन कलर ग्रेडिंग करनी है।
तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आप पहले वाली वीडियो देख रहे हैं और बाद वाली भी देख रहे हैं किस तरह से जो है हमने उसकी कलर ग्रेडिंग करके उसको मज़ीद प्रोफेशनल और खूबसूरत बनाया है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हम इंशाल्लाह एक नेक्स्ट नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।